बाइक खरीद लिया, पेट्रोल डलवा लिया, घूमने का प्लान भी बना लिया, पर अगर राइडिंग गियर्स नहीं लिए तो आप अपने आप को राइडर नहीं कह सकते। ये किसी अच्छे राइडर ने मुझे बोला था। तो मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की जो पहले 5 से 6 राइड्स है ना, वो सारी मैंने की हैं विदाउट राइडिंग गियर्स। अब विदाउट राइडिंग गियर्स से मेरा मतलब ये है कि मैं हेलमेट तो पहन के जाता था, बट मेरे पास ना राइडिंग जैकेट थी ना राइडिंग ग्लव्स थे। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरे को राइडिंग गियर्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं राइडिंग पैंट्स के ऊपर पैसे नहीं खर्चे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि राइडिंग पैंट्स, अभी मुझे इतनी ड्राइविंग अपने पे भरोसा है कि इतना कुछ होगा नहीं। जितनी ज़्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन जा सकती थी उसके लिए मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ। तो मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं वो है मेरे राइडिंग ग्लव्स जो कि है राइनॉक्स के, और मैंने खरीदी है राइडिंग जैकेट जो कि है बाइकिंग ब्रदरहुड की। अब मैंने राइडिंग जैकेट स्पेसिफिकली ये क्यों चूज़ की, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, और वही सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं जो मेरे को हेल्प कर रहे थे ये डिसाइड करने में कि मेरे को कौन सी जैकेट चाहिए, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, ताकि अगर आप लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं राइडिंग जैकेट खरीदने का, तो दिस वीडियो कैन हेल्प। तो ये जो जैकेट और ये जो ग्लव्स मेरे को लेने थे, इसका बजट वैसे मैंने बनाया तो कम ही था, 5-6 हज़ार बना के अपने मन में लेके गया था। बट जब मैंने मार्केट ऑफलाइन, ऑनलाइन करने के बाद ऑफलाइन जब मैंने काफ़ी सर्वे किया, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, 2-3 दुकानों पे गया, मैंने इधर उधर पता किया कि कौन सी जैकेट लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे कि टूरिंग मैं करता हूँ या मेरे जैसे अगर आप लोग भी कैसे टूरिंग करते हैं, तो उसमें हम लोगों को एटलीस्ट लेवल 2 सर्टिफिकेशन वाली जैकेट हमें चाहिए। तो एक तो आपको ये पूरे पीठ पे मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पे शोल्डर्स पे, ये जो आपके शोल्डर्स होते हैं यहाँ पे आपको पैडिंग मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी एल्बो पे, यहाँ पे जो आपकी एल्बो है, तो आपको एल्बो, शोल्डर्स और इसमें बैक पे आपको स्पाइन पे आपको मिलेगी यहाँ पे जो लेवल 2 सर्टिफिकेशन होती है। और इस स्पेसिफिक जैकेट का जो मॉडल नेम है ना वो ये है जो आप देख रहे हैं, इट्स बाइकिंग ब्रदरहुड की ये जो लद्दाख मॉडल जैकेट है वो वाली है। अब ये स्पेसिफिकली मेरे को एक जो डिज़ाइन इसका ये वाला है ना, जो ये पैडेड स्पाइन वाला डिज़ाइन है, ये इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट इसके साथ और भी अलग फीचर्स हैं। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं दोनों चीज़ों की। तो जो जैकेट है उसका प्राइस है 7500 और जो ग्लव्स हैं उसका प्राइस है 2550 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये का सामान है ये दोनों चीज़ें। अब वैसे देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बजट मैं कम बना के गया था, बट स्टिल महंगा आ गया सामान, बट ये मेरी मजबूरी थी। अगर मेरा 5-6 हज़ार में सामान आ जाता, 500-600 वाले ग्लव्स आ जाते और 4,000-4,500 वाली एक जैकेट आ जाती, जिसमें मेरे को जो लेवल 2 सर्टिफाइड जो पैड्स है ना, पैडिंग है, वो मेरे को नहीं मिलती, फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी का एक फ़ायदा भी है कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी। राइनॉक्स के मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर द ग्लव्स, और इसमें जो ये नकल गार्ड है ना, ये नॉक्स के नकल गार्ड हैं। नकल गार्ड्स होते हैं, ये जो नकल है ना इस पे आगे गार्ड्स लगे हुए हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बचाएंगे। और आगे जो फिंगर पे है वहाँ पे ना पैडिंग हुई है, फोम की पैडिंग आई थिंक, तो छोटा मोटा इम्पैक्ट ही आपको बचा लेंगे। तो ये जो ग्लव्स हैं वो, इनमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए आपको कुछ है नहीं, लेदर के हैं और ये एग्जैक्टली सेम ग्लव्स मेरा एक फ्रेंड यूज़ कर रहा है, तो उसकी रिकमेंडेशन पे मैंने ये लिए हैं। उसको 2-3 साल हो गए यूज़ करते हुए, वो कहता है अभी तक मेरा एक भी धागा भी इवन ख़राब नहीं हुआ है, तो उसकी रिकमेंडेशन पे मैंने ये लिए हैं। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। बात करते हैं जैकेट के बारे में। 7000 से 8000 के बीच में एक दो ऑप्शंस और हैं जैकेट के। देखो, एक तो ये था और एक जो सबसे बड़ा पॉपुलर ऑप्शन है ना वो है राइनॉक्स की जैकेट जो 7500 की आती है। बट वो जैकेट में मैंने क्यों नहीं ली और ये ही क्यों ली, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसका रीज़न ये है सबसे बड़ा कि इस जैकेट के साथ जो आप ये लाइनर लगा हुआ देख रहे हैं, ये वाला जो लाइनर है ना ये अलग हो जाता है जैकेट से। जो असली जैकेट है वो सिर्फ अंदर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइनर है ये अगर आप राइनॉक्स में लेने जाओगे तो 1000-1100 रुपये का एक्स्ट्रा आपको लाइनर लेना पड़ेगा। और जो वाटरप्रूफ कवर है जो इस राइडिंग जैकेट के साथ में आया है, ये वाटरप्रूफ कवर है, लाइनर होता है ये भी। तो अगर आप जैकेट पहनने के बाद, लाइनर लगाने के बाद, वार्म लाइनर लगाने के बाद आप इसको भी पहन लेते हैं, तो ना तो आपको ठंड लगने वाली है ना ही आप बारिश में भीगोगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा है। और राइनॉक्स में ये दोनों चीज़ें सेपरेटली लेनी पड़ती हैं। 1100 रुपये का ही आई थिंक रेन लाइनर है राइनॉक्स में और 1000-1100 रुपये का ही वार्म लाइनर भी है। तो वो दोनों चीज़ें आप लोगों को सेपरेट लेनी पड़ेंगी। इस वजह से ये जो सबसे बड़ा रीज़न था ये बाइकिंग ब्रदरहुड वाली जैकेट लेने का। और जो सबसे बड़ा जो सेकंड रीज़न था
वो एक तो डिजाइन थी, मेरे को राइनॉक्स वाली डिजाइन इतनी पसंद नहीं आ रही थी, वो एक्सेल भी मेरे को थोड़ा सा टाइट फील हो रहा था, जबकि ये जो बाइकिंग ब्रदरहुड की जो लद्दाख जो जैकेट जो मैं पहन रहा हूँ इसका एक्सेल मेरे को एकदम टोटली कंफर्टेबल आया है। बाजू भी थोड़ी सी खुली है, इतना स्पेस है कि अगर मेरे को ज्यादा ठंड लगे तो इसके अंदर भी मैं एक इनर वगैरह पहन सकता हूँ। और एक और जो सबसे बड़ा रीजन है जो मैंने ये जैकेट चूज की है वो है इसका हाइड्रा पैक रखने के लिए पॉकेट दी हुई है। जो स्पाइन है ना, ये जैसे ये इसकी बैक, ये बैक पोर्शन है ठीक है, अब ये बैक पोर्शन पे ना यहाँ पे एक पॉकेट है, ये जिप पॉकेट है, इसके अंदर ना यहाँ पे वैसे रेन लाइनर रखा होता है इन्होंने, बट आप इसको निकाल के इसके अंदर ये जो आप लूप देख रहे हैं यहाँ पे आप हाइड्रा पैक रख सकते हैं। और वो हाइड्रा पैक रखने के बाद आप यहाँ से कॉलर पे स्ट्रॉ के लिए यहाँ पे ये छेद दिया हुआ है, यहाँ पे एक जगह दी हुई है गली सी, यहाँ से ला के आप हेलमेट में अपना हाइड्रा पैक, अब हाइड्रा पैक क्या होता है, बाइक चलाते टाइम आपको पानी पीना है तो आप उसमें पानी भर के रख सकते हो, तो वो हाइड्रा पैक आपकी जैकेट के अंदर ही आ जाता है। दो तरह के हाइड्रा पैक आते हैं, एक तो सिंपल हाइड्रा पैक आता है जिन जैकेट्स के अंदर जगह होती है वो सस्ते भी होते हैं, तो वो आई थिंक 500-600 रुपए से शुरू हो जाते हैं, 1000 रुपए तक में बढ़िया हाइड्रा पैक आ जाता है, तो वो वाला मेरा इसमें काम आ जाएगा। जो दूसरा हाइड्रा पैक होता है जिसको पूरी जैकेट की तरह पहनना पड़ता है वो थोड़े महंगे होते हैं, तो उसके भी पैसे मेरे यहाँ पे इसमें बच जाएंगे। और ये याद रखना कि ये लेवल 2 सर्टिफाइड है। और एक डिज़ाइन में इसका सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को इम्प्रेसिव लगी थी वो ये है कि एक शोल्डर पे ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सी दे रखी है, एंड दिस इज ऑफ आई थिंक कुछ मेटल का है ये। तो अब मैं आप लोगों को पॉकेट बता देता हूँ इसमें कितनी कहाँ कहाँ पे कौन सी पॉकेट मिलती हैं, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा डिसाइड करने के लिए कि आपको लेनी है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देख लो, फ्रंट पे ये यहाँ पे दो पॉकेट्स हैं, एक पॉकेट यहाँ है, दूसरी पॉकेट यहाँ है, उसके बाद एक पॉकेट यहाँ पे लाइनर में है, ये अंदर लाइनर में एक पॉकेट यहाँ पे है, एक पॉकेट यहाँ है। और स्पेसिफिकली आपको फ़ोन के लिए यहाँ पे एक पॉकेट दिखती है ये वाली, जिसमें आपको हेडफोन निकालने के लिए, ये वाटरप्रूफ पॉकेट है। और एक्चुअली वाटरप्रूफ तो लाइनर है वो जो मैंने ऑरेंज वाला आप लोगों को दिखाया, वो लाइनर इसके ऊपर आ जाएगा। और ये वार्मर वाला लाइनर और वाटरप्रूफ वाला लाइनर अप्रॉक्सीमेटली दोनों मिला के 2000 रुपये के आसपास आते हैं। तो ये जो रीज़न था सबसे बड़ा था कि इसके साथ जो दो लाइनर फ्री आते हैं ना वो राइनॉक्स में अलग अलग खरीदने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये जैकेट मैंने ली थी। बाकी मटेरियल इसका काफ़ी अच्छा है, यहाँ से जो बाजू है, अगर मान लो अगर आपकी बाजू बहुत ज़्यादा पतली है तो ये पहले स्टेप पर मैंने कर रखी है, आप यहाँ पर इसको दूसरे स्टेप पर भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना, ये तो ये थोड़ी टाइट हो जाएगी, इसको आप यहाँ से भी टाइट कर सकते हो, मतलब सारी इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। ये यहाँ से भी है कि अगर आपका कमर थोड़ी ज़्यादा पतली है तो आप यहाँ से भी इसको आराम से यू कैन लूजन और टाइट इट अप। तो ये जैकेट है, यहाँ पे जब बाकी जो आर्मर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और अभी तक मैंने इसको 1500 किलोमीटर के आसपास इसको यूज़ कर लिया है और अभी तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी स्टिचिंग अभी तक आप देख सकते हैं अगर पूरी डिटेल में भी देखेंगे, और इसको एक बार ही अभी तक वॉश कर चुका हूँ मैं, एक बार ही वॉश कर चुका हूँ और अभी तक इसमें पूरी डिटेल में देखेंगे तो कोई स्टिचेस वगैरह कुछ बाहर आए नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इवन आप ये देखोगे ये वाली पॉलीथिन भी अभी हटी नहीं है, ये पॉलीथिन इसके अंदर लगी हुई है। अब इसमें और राइनॉक्स वाली जैकेट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस था, एक तो लाइनर वाला डिफरेंस था, लाइनर के बाद ना एक और डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस ये है कि राइनॉक्स की जो जैकेट है ना उसमें आपको लाइनर तो नहीं मिलेंगे, बट उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके कंपेटिवली मिलेगी, 7500 की है, बट उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है वो है आपको चेस्ट प्रोटेक्टर, जैसे जो प्रोटेक्टर आपके शोल्डर पे, एल्बो पे और बैक पे लगे हैं ना, वैसे आपको सामने चेस्ट पे भी मिलेगा। तो इसमें वो चेस्ट प्रोटेक्टर डालने की जगह तो दी है, जैसे आप ये देख रहे हो ये पॉकेट है, ये ऐसे खुल जाएगी, यहाँ पे चेस्ट प्रोटेक्टर आ जाएगा, बट इसके अंदर जगह दी है बट चेस्ट प्रोटेक्टर है नहीं। तो या तो आप चेस्ट प्रोटेक्टर सेक्रीफाइस कर सकते हैं या तो आप लाइनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो चॉइस अब आपकी है। अब मेरे को लाइनर ज़्यादा ज़रूरी लग रहे थे एज़ कम्पेटिवली चेस्ट प्रोटेक्टर के, तो मैंने फिर वो वाली चूज़ की, बाकी चॉइस आपकी है आपको क्या चूज़ करना है। राइनॉक्स इज़ ऑल्सो गुड, दिस इज़ ऑल्सो गुड, बस जो डिसीजन मेकिंग जो पॉइंट्स हैं ना वो यही हैं कि आपको लाइनर ज़्यादा ज़रूरी चाहिए या फिर आपको चेस्ट प्रोटेक्टर ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, मैंने बहुत जगह से पता किया, बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही सेम है। तो ये था मेरा जो मैंने 10,000 रुपये खर्चे हैं अपने राइडिंग गियर्स के ऊपर। आई होप अगर आप लोगों को ये जैकेट लेने का मन कर रहा हो तो आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कोई पॉइंट मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।